नमस्कार, मैं शालू तोमर, आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज। फिरोजाबाद में स्टेशन रोड स्थित एमजी कॉलेज में जिलाधिकारी नेहा शर्मा द्वारा ईवीएम मशीन को लेकर एक प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पोलिंग पार्टी में नियुक्त लोगों को ईवीएम मशीन के बारे में जानकारी दी गई। वहीं जिला अधिकारी द्वारा शपथ भी दिलाई गई। पोलिंग पार्टी पीठासीन अधिकारी के बहुत बहुत बड़े उत्तरदायित्व, उसके अधिकार भी बहुत हैं, तो वो एक खुद अपने आप में पूरा ट्रेंड होना चाहिए प्रोसीजर के लिए कि कब क्या करना है। तो ये जो आज जो मौका मिला है इसका उपयोग करें, और क्योंकि इसमें ईवीएम का होगा, यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी यहाँ के होंगे मेयर के चुनाव के लिए, तो इसको एक और चीज ध्यान रखिए, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन तो आते रहते हैं, अभी फिर 19 का इलेक्शन आया, उसमें भी आपको ईवीएम को हैंडल करना है, सब सेम है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है स्टार्टिंग पोलिंग डे पे, जो पहले तो वहां सकुशल और टाइम से पहुंच जाना, और जो सामान्य बातें उसका जो ध्यान रखिएगा कि आपको निष्पक्ष रहना है और दिखना भी निष्पक्ष है, ऐसा भरोसा दिया है, आपको कार्रवाई को अंजाम देना है, उस पर जितनी अच्छी आपकी पकड़ होगी उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास बढ़े किसी भी टीम की जो रीढ़ होती है वो होती है उसका जो नेतृत्व है, और यहाँ पर उपस्थित जितने पीठासीन अधिकारी हैं, आपके नेतृत्व एक कमान को संभालने वाले का रोल आपकी भूमिका होगी, जो आप कुशल नेतृत्व वहाँ पे देंगे, तो आपकी पूरी की पूरी टीम जो है वो एकजुट होकर इस पूरे मतदान प्रोसीजर को बहुत अच्छी तरह से निभा पाएगी। लेकिन मैं इस बात को भी पीठासीन अधिकारियों के तो बहुत बड़े बड़े दायित्व होते हैं, लेकिन जो अन्य पोलिंग पर्सनल लगे हुए हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि इस ट्रेनिंग में अपने अपने दायित्वों के साथ जो दूसरे का रोल है उसको भी समझें, ट्रेनिंग को पूरा मल्टीफेसेटेड वे में करें कि दूसरे के रोल में कहीं पर आपका टीम मेंबर कहीं कमजोर पड़ रहा हो तो आप उस गैप को प्लग करने के लिए, उस गैप को भरने का काम करें। तो अगर आपकी ट्रेनिंग एक मल्टीफेरियस वे में होगी, पूरी तरह से सबके दायित्वों को आप समझेंगे, तो आप एज अ टीम अच्छा काम करके दे सकेंगे।